हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैलकुलेटर को किस तरह ऑटोमेटिक बंद किया जाता है उसके बारे में, उसकी शॉर्ट की के बारे में आपको बताऊंगा। तो उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और जो दिए गए बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। उससे क्या होगा, जो मेरी नई नई वीडियो है सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलते हैं, इस कैलकुलेटर की बात करते हैं। देख सकते हैं मेरे पास किस तरह का कैलकुलेटर है। वैसे तो तीन थ्री टाइप ऑफ कैलकुलेटर होता है। एक तो सिंपल होता है, एक ये सेकंड जिसमें टैक्स टैक्स प्लस टैक्स माइनस, और एक ऑटोमेटिक बोलने को तो डिजिटल बोल सकते हैं उसे। ठीक, तो ये सेकंड नंबर वाला कैलकुलेटर है। इसमें वैसे लोगों का है ना बहुत दिक्कत होता है इसे ऑटोमेटिक बंद करने में, क्योंकि इसकी की के बारे में पता नहीं चलता है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कैसे बंद हो सकता है। पहले इसको ऑन कर लेते हैं, देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। ठीक है, तो इसको बंद करने के लिए सिंपल पॉइंट जीरो प्लस माइनस और इन चारों में से कोई भी एक, चलिए कोई भी एक बंद हो गया। फिर से ऑन देख लीजिए, पॉइंट जीरो प्लस माइनस कोई भी एक, ये बंद हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और भी आगे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।